वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे खुशबूदार जायकेदार चिकन यखनी पुलाव। बिना यखनी निकाले एक ही पोट में कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पुलाव का स्पेशल मसाला पीस लेते हैं, जिसमें 2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 जावित्री, 15-16 काली मिर्च, 4 हरी इलायची और 1 छोटा टुकड़ा जायफल। इसे हम पीस लेंगे। इसके बाद में हम हरी मिर्चों को पीस लेंगे, 15-16 हरी मिर्चें लिए हुए। इसे हम दरदरा पीस लेंगे इस तरह से। अब हमने एक पतीला लिया हुआ है, जिसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे और 1 कप ऑयल। ऑयल गर्म होने पर इसमें हम कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, 2 टीस्पून ज़ीरा, 2 बादियान फूल, 1 काली इलायची, 5-6 काली मिर्च और 4-5 लौंग, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 4 हरी इलायची। इसके बाद में हम 3 मीडियम साइज़ के चौपके हुए प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे इस तरह से, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो उस तरह से प्याज को फ्राई करने के बाद इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने 1 किलो चिकन लिया हुआ है। साथ ही ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 2 टेबलस्पून नमक और पिसा हुआ हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे हम भून लेंगे करीब 5 से 7 मिनट। तो चिकन को अच्छी तरह से भून लेने के बाद इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही और साथ ही ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉपके हुए टमाटर। अब अच्छे से भून लेंगे जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट नहीं हो जाते। साथ में ही हमने यहाँ पे 2 आलू ऐड किए हुए हैं। तो इस तरह से भून लेने के बाद चिकन हमारा तकरीबन 70% कुक हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी, चावल से दुगना गर्म पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 1 किलो चावल लिया हुआ है बासमती, इसे आधा घंटा भिगो के रखा हुआ था। अब इसे बॉयल आने पर चावल ऐड करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस स्टेज पे आप नमक चेक कर सकते हैं। अब मसाला जो कि हमने पीस के रखा हुआ था पुलाव का, वो ऐड करेंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून केवड़ा वाटर ऐड करेंगे। इसकी जगह पे रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर करके इसे हम पका लेंगे हाई फ्लेम पे। तो इस तरह से पानी सूखने तक पका लेंगे। तो पानी यहाँ पे है, हमारा चावल का सूख चुका है, थोड़ा सा पानी बाकी है। एक बार हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी बाकी है और 1 कड़ी भी हमारे चावल की बाकी है। तो इस स्टेज पे हम चावल को दम पे देंगे, नीचे तवा रखेंगे और हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट और स्लो फ्लेम पे 10-12 मिनट दम पे देंगे। इस तरह से हम चावल को दम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे चावल दम पे आ चुके हैं। अगर चावल दम पे ना आते हो तो दम आने तक उसे और रखेंगे 1 से 2 मिनट। तो बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार एक ही प्लेट में बनने वाला चिकन यखनी पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। अगर आपको हमारे चिकन यखनी पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।